वेलकम बैक टू मोंक एंड परमाणु। आज की वीडियो होगी हमारी यूनिट थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर हैविंग करंट आई। इस वीडियो में हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए करंट कैरिंग कंडक्टर जिसके अंदर करंट होगा आई। अब इस स्ट्रेट कंडक्टर के लिए किसी भी पर्टिकुलर पी पॉइंट पर हमें निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो इस वीडियो में हम डिराइव करेंगे इसके लिए एक फॉर्मूला और देखेंगे इसके स्पेशल केसेस। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी इस तरह की वीडियो आती हैं तो आपको सबसे पहले मिल सके। और इन सभी वीडियोस के अंदर जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर उनकी आपको पीडीएफ फॉर्म्स में आपको वो डाउनलोड करने हैं तो आप मेरी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि है mparmanuphysics.blogspot.com। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो कंसिडर ए स्ट्रेट वायर एक्स वाई हैविंग करंट आई प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो प्लेन ऑफ पेपर के अंदर हमने एक वायर रख रखा है एक्स वाई, और इस वायर के जस्ट बिल्कुल सेंटर से कुछ दूरी पर पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है ए, और इस वायर के अंदर करंट है आई। अब हम इस वायर के अंदर एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेट करते हैं डीएल, जिसकी नाम है ए बी, जिसकी लेंथ है डीएल। अगर करंट इस तरफ है तो डीएल की जो डायरेक्शन होगी, आई डीएल की जो डायरेक्शन होगी, यानी कि करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी, वो होगी ऊपर की तरफ। अब इस पी पॉइंट के लिए मैं उस करंट एलिमेंट से एक पोजिशन वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, जो कि है आर। उस पोजिशन वेक्टर का एंगल है पी पॉइंट से और सी पॉइंट की लाइन से, वो है फाई। अगर मैं इसको यहाँ से मिलाता हूँ तो एंगल बनता है इस सेंटर वाली लाइन से, एक्सिस से, वो है फाई वन। अगर यहाँ से मिलाता हूँ तो एंगल बनता है फाई टू। तो इस तरह जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें निकालना है पी पॉइंट पर। तो फॉर एक स्ट्रेट कंडक्टर हैविंग करंट हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं यूजिंग बायवर्ट सावर्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू बायवर्ट सावर्ट लॉ, अगर करंट एलिमेंट डीएल है तो उसके लिए इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल, डीएल करंट एलिमेंट क्रॉस आर पोजिशन वेक्टर ओवर आर क्यूब। अब यहाँ पर हम एंगल देखते हैं, वो एंगल है थीटा, तो आई डी एल आर साइन थीटा ओवर आर क्यूब। अब हमें एक बात पता है, ये 90 डिग्री है, तो थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू होगा 90। थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 90 माइनस फाइव। अगर मैं यहाँ पर साइन 90 माइनस फाइव पुट करता हूँ तो वो होगा कोस फाइव। जो कोस फाइव की हम वैल्यू निकालते हैं इस ट्रैंगल से वो होगी ए, अगर ये डिस्टेंस ए है, ए बाई आर, बी बाई एच, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो बी बाई एच होगी, यानी कि ए बाई आर। कोस फाई की जो वैल्यू होगी वो होगी ए बाई आर, यहाँ से आर की वैल्यू होगी ए बाई कोस फाई। अगर मैं टेन फाई की वैल्यू निकालता हूँ वो होगी एल, अगर ये लेंथ एल है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वो होगी एल बाई ए, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन फाई की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी एल बाई ए, ट्राइंगल से एल यहाँ पर होगा ए टेन फाई। अगर मैं एल का डेरिवेटिव लेता हूँ तो एल का डेरिवेटिव होगा डी एल, ए सेम का सेम होगा, कॉन्स्टेंट है, टेन फाई का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर फाई डी फाई, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब डी एल की वैल्यू और साइन 90 माइनस फाइव की वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ हमारे डी बी के अंदर, तो मिलता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई साइन 90 माइनस थीटा की जगह पर कोस फाई, और आर की जगह पर ए स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर फाई। अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो कोस से कोस कट के, यहाँ से स्क्वायर कट के, ए स्क्वायर से एक ए कट के, नीचे बचेगा एक ए और ऊपर सिर्फ बचेगा कोस फाई डी फाई। तो म्यू नोट ओवर 4 पाई आई ओवर ए कोस फाई डी फाई होगा हमारा डी बी। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, कि जो बी की डायरेक्शन क्या होगी। अगर करंट एलिमेंट इस तरह है डी एल, हमारा ए बी के अंदर डी एल, और पोजिशन वेक्टर आर है, ये पॉइंट पी है, तो हम राइट हैंड पाम को कुछ इस तरह घुमाएंगे आर की तरफ, डी एल से आर की तरफ, जो अंगूठा होगा वो नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो थंब की डायरेक्शन में होगा, वो होगा परपेंडिकुलर
इनवर्ड टू दैट प्लेन, इस प्लेन के अंदर की तरफ। दस फॉर एवरी सच डीएल एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, हैंस टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ बी। अब हर एक एलिमेंट छोटे छोटे डीएल की वजह से, यहाँ अगर डीएल है उसके लिए अंदर, यहाँ डीएल है उसके लिए अंदर, यहाँ डीएल है उसके लिए अंदर, तो हर स्मॉल एलिमेंट्स के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस प्लेन के अंदर होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। तो अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पूरे कंडक्टर के लिए, तो हमें क्या करना होगा, इन डीएल्स की समेशन करना होगा, डीएल्स का। तो इन सभी डीएल को समेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं डीबी का। तो डीबी का इंटीग्रेशन करते हैं हम, अगर हम यहाँ पर लेंथ तो ले नहीं सकते, इसलिए हम क्या लेते हैं, यहाँ से एंगल ले लेते हैं फाइव वन, नेगेटिव फाइव वन से पॉजिटिव फाइव टू तक। तो नेगेटिव फाइव वन से पॉजिटिव फाइव टू तक हम इंटीग्रेशन करेंगे म्यू नोट ओवर फोर पाई आई ओवर ए कोस फाइव डी फाइव। कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, बाहर कोस फाइव डी फाइव अंदर रह जाता है, इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन फाइव, और नेगेटिव फाइव वन टू नेगेटिव फाइव प्लस फाइव टू। तो अगर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करता हूँ वैल्यूज, तो फाइव टू प्लस फाइव वन मिलता है। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा बी का वो होगा म्यू नोट ओवर फोर पाई आई ओवर ए साइन फाइव टू प्लस साइन फाइव वन। अब हम बात करते हैं स्पेशल केसेस की, हमारा फॉर्मूला हमें मिल गया है। अगर फाइव वन इजक्ल टू फाइव टू हो तो 90 डिग्री हो, फाइव वन फाइव टू हो 90 डिग्री हो, इसका मतलब है पॉइंट पी है जो वो नियर द सेंटर ऑफ कंडक्टर है, यानी कि जो पॉइंट पी है वो इस कंडक्टर के लगभग सेंटर के बिल्कुल पास है। क्योंकि इस तरफ मैं जाऊंगा, इस तरफ बढ़ूंगा, तो जो एंगल है ये फाई है ये बढ़ेगा, और ये 90 कहाँ होगा, लगभग यहाँ आने के पास। तो उस कंडक्टर इज जस्ट नियर, अगर कोई पॉइंट पी है उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, साइन 90 साइन 90 वन प्लस वन यानी कि टू म्यू नोट ओवर फोर पाई टू आई बाई ए, यानी कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्स वाई कंडक्टर के लिए वो होगा ये। अगर फाइव वन 90 है फाइव टू जीरो है, इसका मतलब क्या है, पी पॉइंट किसी एक एंड की तरफ है, तो बीच में ना होकर वो इस एंड की तरफ है, तो वहाँ पर क्या होगा, साइन 90 यहाँ पर वन ये जीरो, तो म्यू नोट आई फोर पाई ए। अब ये बात देखकर हमें पता चलता है कि अगर हम वायर के सेंटर की तरफ निकालते हैं मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का, वो ट्वाइस होगा एंड की तरफ, यानी किसी भी एंड की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वो हाफ है सेंटर के मुकाबले। व्हेन पी लाइज ऑन द वायर कंडक्टर देन द डीएल एंड आर हैज जीरो डिग्री एंगल, तो साइन जीरो वहां पर जीरो होगा। अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड वायर के जस्ट वायर के ऊपर, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा जीरो। इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज फाइनाइट दैट इज एल एंड द पॉइंट पी लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ कंडक्टर, वो कह रहा है अगर वायर की लेंथ एल है, फिक्स लेंथ है एल, और जो पॉइंट है हमारा वो राइट बाइसेक्टर पर है, तो वहां पर फाइव वन इज इक्वल टू फाइव टू होगा और होगा फाइव के बराबर। तो फाइव वन फाइव टू जो एंगल्स हैं, दोनों एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे और उनको हम लिख सकते हैं फाइव। तो वहाँ पर जो हमारी वैल्यू होगी साइन फाइव की, वो हम इस ट्रायंगल से निकाल लेते हैं एल बाई टू, ये वैल्यू जो होगी एल बाई टू होगी, और अगर ये एल बाई टू है और ये अगर निकालना है तो ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस एल बाई टू स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमें आर। तो साइन फाइव की वैल्यू होगी एल ओवर टू ए स्क्वायर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर एल ओवर फोर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, जो बी की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी म्यू नॉट ओवर फोर पाई टू आई ए ओवर एल स्क्वायर ओवर फोर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। ये एक स्पेशल केस है जब हमें निकालना है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर राइट बाइसेक्टर पर इस वायर के, यहाँ पर ये जो फाई है ये भी और ये फाई, ये दोनों ही फाई होंगे, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, अगर लेंथ एल है तब हम इस तरह का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा, वो मिलेगा म्यू नोट ओवर फोर पाई टू आई बाई ए, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी एल ओवर अंडर रूट फोर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब नोट करने वाली बात हमारे पास ये है कि डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो जब भी किसी स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है करंट की वजह से, अगर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस होंगी वो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दे सकते हैं, वो होगी कंसेंट्रिक सर्कल्स। अगर करंट ऊपर की तरफ है,
अगर करंट ऊपर की तरफ है तो हम कर्वेचर कुछ इस तरह घुमाएंगे, अंगूठा ऊपर रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, और हमारा कर्वेचर होगा कुछ ऐसे मूव करेगा ऐसे। तो इस वजह से क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस होंगी वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर एंटी क्लॉक होगी। कैसी होगी? एंटी क्लॉक होगी। अगर करंट डाउनवर्ड है तो हम अपना जो अंगूठा है डाउन रखेंगे कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, और इसको घुमाएंगे राइट हैंड से इसकी तरफ, तो वो हमारे पास डायरेक्शंस जो मिलेगी हमें वो मिलेगी क्लॉकवाइज। तो उसके अंदर क्या होगा, वो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लॉकवाइज ट्रेवल करेंगी कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर। तो कभी भी किसी भी जगह पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं तो वो हमें हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आराम से दे सकती हैं। तो कभी भी अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है किसी भी वायर्स के चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं वहाँ पर, तो हम सिर्फ टेंजेंट डाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, हमें वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। तो टेंजेंट से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं इजीली। तो यही थी हमारी डेरिवेशन फॉर स्ट्रेट कंडक्टर।